भाई बहन के स्नेह भरे रिश्ते का स्मरण कराने वाले पावन त्योहार रक्षाबंधन के तहत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की महिला शाखा ओजस्विनी द्वारा ओजस्विनी जिलाध्यक्षा डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी के नेतृत्व में देश के जवानों की कलाइयों पर ओजस्विनी का रक्षा सूत्र कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत ओजस्विनी बहनों ने CRPF कैंप गया में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 159 बटालियन के जवानों की कलाइयों पर स्नेह एवं शुभकामना भरे रक्षा सूत्र बांधे। कार्यक्रम का शुभारंभ ओजस्विनी अध्यक्षा डॉक्टर रश्मि ने CRPF के द्वितीय कमान अधिकारी अवधेश कुमार एवं मुकेश कुमार गुप्ता तथा डिप्टी कमांडेंट अंबर घोष सहित सभी अधिकारियों तथा जवानों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांध कर किया। तत्पश्चात डॉक्टर ज्योति प्रिया ओजस्विनी की जिला मंत्री अमीषा भारती, उपाध्यक्ष मोनिका कुमारी व सरिता देवी, महामंत्री शिल्पा साहनी, कोषाध्यक्ष प्रतिज्ञा कुमारी के साथ रिया कुमारी, ईसा शेखर, कुमारी जूही, मोना कुमारी, प्रियंका कुमारी, पल्लवी कुमारी, रागनी कुमारी एवं सृष्टि सिंह आदि ओजस्विनियों ने देश की रक्षा में जुटे सभी सैनिक भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हुए विजय तिलक लगाकर राखियां बांधी। ओजस्विनी अध्यक्षा डॉक्टर रश्मि ने देश की सुरक्षा के दिन रात संलग्न CRPF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम और हमारा देश अगर आज सुरक्षित है तथा तमाम विपरीत परिस्थितियों व चुनौतियों के रहते हुए भी निरंतर आगे बढ़ रहा है तो इसका सबसे पहला श्रेय हमारे तपस्वी तथा कर्तव्यनिष्ठ सैनिक भाइयों को ही जाता है। डॉक्टर रश्मि ने ओजस्विनी की ओर से देश के वीर जवानों को सत सत नमन करते हुए अपनी स्वरचित काव्य पंक्तियां समर्पित की। उन्होंने कहा, रक्षा करना सब बहनों की, कहते हैं राखी के धागे, भैया तुमको मिले सफलता, जीवन से हर बाधा भागे, राखी के ये धागे रक्षा करे तुम्हारी बनकर ढाल रखना, अपनी मातृभूमि का गौरव ऊंचा उन्नत भाल, सेवा करना सदा देश की बहनों की अभिलाषा है, परहित हेतु कर्म करना ही जीवन की परिभाषा है। वहीं डॉक्टर ज्योति प्रिया ने कहा कि इन रंग बिरंगी राखियों में हम बहनों की देश के वीर भाइयों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और गौरवपूर्ण भावनाएं निहित हैं। ये भावनाएं अनमोल है। मोनिका ने राखी के इस कार्यक्रम को एक अत्यंत गौरवपूर्ण एहसास ठहराया। अमीषा भारती ने कहा कि पिछले वर्ष भी हम ओजस्विनियों ने CRPF कैंप में सैनिक भाइयों को राखियां बांधी थी, जिसकी मधुर यादें आज फिर से तरोताजा हो गई हैं। अमीषा भारती ने कहा कि पिछले वर्ष भी हम ओजस्विनियों ने CRPF कैंप में सैनिक भाइयों को राखियां बांधी थी, जिसकी मधुर यादें फिर से तरोताजा हो गई हैं। ओजस्विनी द्वारा आयोजित इस रक्षाबंधन समारोह में CRPF के अधिकारियों में से रवि कुमार, रतन कुमार पांडे, प्रेम सिंह प्रसाद, दीप ज्योति, देवाशीष बोरा, अशोक पाठक, भागीरथ चौधरी, सुजन बोरा, राहुल कुमार, उदय सिंह, अमलेंदु पांडे, सुशील कुमार सिंह, संजय चंद्र, सलमान अशरफ आदि के अतिरिक्त CRPF के अनेक कांस्टेबलों व जवानों ने ओजस्विनियों से राखियां बधवाई। राखियां बधवाते समय सभी सैनिक भाव विभोर दिख रहे थे। उन सभी में अनोखी उमंग तथा उत्साह दिखा। ओजस्विनी द्वारा संयोजित रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभागाध्यक्ष शशिकांत मिश्रा, जिला मंत्री राम बारिक, कार्याध्यक्ष मुक्तामणि, मीडिया प्रभारी अश्विनी कुमार, प्रकाश कुमार गुप्ता आदि का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। CRPF के वीर जवान पुलिस कार्यवाही में राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की सहायता करते हैं। ये आतंकवाद के प्रबल विरोधी। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए गया से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। परिषद की महिला शाखा ओजस्विनी से आज CRPF कैंप गया में आए हैं और जितने भी हमारे देश के जवान भाई हैं, जितने भी देश के सैनिक हैं, उन लोगों के सम्मान में हम लोगों ने ये आयोजन रखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के जितने भी सैनिक, हमारे देश के जितने भी जवान, वो सारे अपने घर से दूर रहकर, अपने परिवार से दूर रहकर देश की सुरक्षा में लगे हुए रहते हैं, तो इन लोगों के बीच आकर इन लोगों के सम्मान में ये आयोजन रखना हम लोगों के बड़ा ही सौभाग्य का विषय है, बड़ा ही हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। और पिछली बार भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, बहुत ही भावुक क्षण था वो, और आज भी उनकी स्मृतियाँ अविस्मरणीय हम लोगों के लिए। और इस बार भी हम लोगों की ओजस्विनी की टीम के द्वारा हम लोग यहाँ आए हैं। देशभक्ति जो है एक बहुत बड़ी भावना होती है और देशभक्ति के साथ साथ बच्चों की जो अभिलाषाएँ होती हैं भाइयों से, वो भी अपने आप में बड़ी भावना होती है। तो इन भावनाओं का जो है यहाँ पर हम समझा है देख सकते हैं। राखी के जो धागे होते हैं, सिर्फ धागे नहीं होते बल्कि उनमें हमारी भावनाएँ, उनमें हमारी निष्ठा, हमारा जो है हमारी जितनी भी मतलब हमारा स्नेह जो है वो उसमें जुड़ा रहता है। तो राखी के द्वारा हम लोगों ने सुरक्षा सूत्र बांधा है। हम लोग यही कामना है कि आप जहाँ भी रहें देश में, जहाँ भी रहें देश के किसी भी हिस्से में रहें, आप देश के लिए काम करते रहें और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले, हम लोगों की यही कामना है। और मैं ये पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी कि रक्षा करना सब बहनों की, कहते
हैं राखी के धागे, रक्षा करना सब बहनों की कहते कैसे हैं राखी के धागे, भैया तुमको मिले सफलता, जीवन से हर बाधा भागे। राखी के ये धागे रक्षा करे तुम्हारी बनकर ढाल, राखी के ये धागे रक्षा करे तुम्हारी बनकर ढाल, मेरे प्यारे भैया जीवन सदा रहे तेरा खुशहाल। सेवा करना सदा देश की बहनों की अभिलाषा है, सेवा करना सदा देश की बहनों की अभिलाषा है, परहित हेतु कर्म करना ही जीवन की परिभाषा है, परहित हेतु कर्म करना ही जीवन की परिभाषा है। तो हम लोगों की यही कामना है कि आप हमारे देश सुरक्षित रखें, जहाँ भी रहें हम लोगों का जो सिर है वो गौरव से ऊंचा उठे, और हम लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय हुआ डॉक्टर कुमारी रश्मि, ओजस्विनी की अध्यक्षा हुई और साथ ही साथ गौतम कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के असिस्टेंट आई है। और हमारे रक्षा सूत्र हमें बांधा है हम उनके लिए हैं, और जो मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है और हम उसको अवश्य पालन करेंगे। फील कैसा करें सर? फील बहुत ही आज उत्साह वाला दिन जैसा लग रहा है, जैसा कि बहुत खुशी हम लोगों को मिला है कि हमारे साथ भी कोई है। जी पर्चे दे दीजिए सर। पर्चे मेरा नाम उदय कुमार सिंह है और मैं गया यहाँ पर पेशेंट की ड्यूटी